मैं आपसे यही गुजारिश करूँ कि जब भी समाज आपको आवाज दे, आप इसी तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। एडवोकेट अश्मिता भारद्वाज जी से निवेदन करूंगा, वे समाज के लिए, माता बहनों के लिए कुछ संदेश दें। यहाँ पर उपस्थित, इस प्रांगण में उपस्थित सारे लोग और यहाँ स्टेज पर उपस्थित सारे लोगों के चरणों में मेरा नमस्कार स्वीकार करें। ये मौका मुझे दिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके पहले जो जितने भी प्रोग्राम अटेंड किए और आज जो ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे और यहाँ पे जो तादाद देख रहे हैं हम फीमेल्स की, ये नज़ारा यहाँ से खड़े होकर देखने में बहुत ही सुंदर है। अब तक के इसमें ये सबसे सुंदर स्वरूप है जहाँ हमारे समाज की माताएं बहनें इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये एक इनिशिएटिव है, या मैं यूँ कहूँ कि ये एक पहल है जब हमारा समाज बदलना शुरू हो रहा है, हमारा समाज आगे बढ़ना शुरू हो रहा है। आज भी जब हम लोग ग्रुप में बातें करते हैं या हम अपने घर में भी चर्चा कर रहे होते हैं समाज को लेकर, तो कहीं ना कहीं हम सबके मन में होता है कि आज भी हमारा समाज काफ़ी पीछे है। और ये मैं मेरे घर की बात नहीं कर रही, हम सबके घरों में यही चर्चा होती है और चर्चाओं में हम अपने अपने पक्ष भी रखते हैं कि मेरा समाज इस वजह से, इस कारणों से पीछे है। तो आप सबसे यही गुजारिश है, समाज किससे है? हमसे है और आपसे है। समाज किसी एक का या दो का या तीन का नहीं है, हम सब मिलकर एक समाज है। तो अगर हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि ये इन कारणों से मेरा समाज पीछे है, तो ये जिम्मेदारी भी मेरी है कि जो जो कारण मैं अपने घर में बैठ के बात कर रही हूँ, तो उन्ही कारणों पर काम, समाज में आगे बढ़ के काम करना भी मेरी जिम्मेदारी है। इसी चीज़ को अगर हम आगे भी लेकर जाते हैं, जैसे कि आज हम सभी यहाँ मौजूद हैं, भावना सुनय देवी रेखा देवी जयंती को मनाने के लिए हम सभी एकत्रित यहाँ पर हुए हैं। इतिहास रचा ही क्यों जाता है? हम इतिहास को याद ही क्यों करते हैं? इतिहास को सिर्फ एक पर्व के तौर पर मनाने के लिए नहीं, जबकि इतिहास को याद करके, इतिहास से प्रेरणा लेके भविष्य में दोबारा एक इतिहास रचने के लिए हम इतिहास को याद करते हैं। तो हमें अपने ध्यान अपनी ऊर्जा उस ओर केंद्रित करनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें जहाँ से हमारा समाज भी ऊपर आए। तो आज हम सारे जितने यहाँ पर प्रेजेंट हैं, हम ये प्रांगण को जब भी छोड़े अपने अंदर एक जागरूकता लेकर जाएं। आज अगर हमारे समाज में किसी चीज़ के सबसे ज़्यादा कमी है तो वो है समाज में जागरूकता। हम आप में एक जागरूकता, और जागरूकता किस बात की? जागरूकता इस बात की कि आज भी हम अपने घर में देखें, अपने आसपास देखें, तो कितने लोग अभी भी पढ़ाई के लिए तत्पर नहीं है, कितने लोग अभी भी हमारे समाज में ये चीज़ें अभी भी दहेज प्रथा चली ही आ रही है, जिसको ख़त्म करने के लिए न जाने हम कब से बातें ही किए जा रहे हैं। पर ये सिर्फ बातों से नहीं, इन बातों को अमलों में भी लाना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं यही गुजारिश होगी कि हम जब भी ये प्रांगण को यहाँ से छोड़ के जाए, तो अपने अपने दिलों में एक जागरूकता लेके जाए कि आज अगर मैं यहाँ से जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो अपने अंदर एक बदलाव का किरण लेके जाऊँगा। फिर वो बदलाव चाहे ऐसा हो कि मेरे घर में अगर लड़का भी आने को है, तो मैं मेरे लड़के की अगर दहेज ना लेते हुए एक राजभर की लड़की, एक समाज की लड़की अपने घर लेकर आऊँगा, वो मेरे लिए जागरूकता होगी। या मैं ये जागरूकता लेके जाऊँ कि अगर मेरे घर में किसी की स्टडीज़ बाकी रह गई है, तो वो उसकी स्टडीज़ कंटिन्यू कराना, ये मेरी जिम्मेदारी है। या फिर मैं ये जागरूकता लेके जाऊँ कि आने वाले दिनों में जब भी मेरे समाज को मेरी ज़रूरत गिरेगी, या जब भी मुझे मेरे समाज में कुछ कमियाँ दिखेंगी, तो मैं उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, और मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि जब भी समाज के कार्य की बात आएगी, तो मैं बढ़ चढ़ के साथ दूंगा। और यहाँ उपस्थित सभी बहनों को एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही गुजारिश करूँ कि जब भी समाज आपको आवाज़ दे, आप इसी तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। धन्यवाद।